सो हे गाइस, वैसे आप देख रहे हैं पब्लिक गैराज। भाई आज हम बैठे हैं ग्रैंड विटारा के बेस मॉडल के इंटीरियर में। पहले मैंने इंटीरियर से स्टार्ट इसलिए करा क्योंकि भाई मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ इंटीरियर में ही ना भाई इसके बेस मॉडल में इतने अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं जो जो कि इसको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, अब भाई सबसे पहले तो मैं इसमें आपको एक बार पूरा का पूरा इंटीरियर दिखाता हूँ। बहुत अच्छा खासा इंटीरियर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और जो गाड़ी का एम्बियंस है ना, और भाई जो स्पेशियस है ये गाड़ी, बहुत अच्छी खासी स्पेशियस है यार। और आगे का जो मेरा विंडशील्ड की विजिबिलिटी है बहुत तगड़ी है, क्योंकि इसमें आपको आपकी सीटिंग ड्राइवर सीटिंग पे आपको मिल जाती है हाइट एडजस्टमेंट के लिए लीवर, तो जिसकी कि भाई आप इसको इतना ऊंचा कर सकते हो कि विंडशील्ड की जो आपकी विजिबिलिटी है बहुत प्रॉपर हो जाएगी। बाकी ये इसमें एक्स्ट्रा हमने इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवा लिया था अलग से बाहर से, जो कि 8 इंच की इसकी स्क्रीन है। नाकामिशी, ये हमारे जापान की टेक्नोलॉजी, जापान की कंपनी है, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अब मैं भाई इसमें फ्रंट से आपको पहले बताऊं, इसमें हमें मिल जाता है स्टेयरिंग जो एडजस्टमेंट मिल जाता है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाते हैं बेस मॉडल से। यार क्या बात है। और उससे अलग यहाँ पे भाई आपको पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप का आपको पुश बटन देखने में मिल जाता है क्रोम फिनिशिंग के साथ, जो कि भाई बेस मॉडल में बहुत, इतनी गाड़ियाँ मार्केट में जो कि बेस मॉडल में देना ही पसंद नहीं करती है। आप महिंद्रा के ले लो, एक्सयूवी ले लो, आप अपना स्कॉर्पियो ले लो, भाई आपको फ्लिप की ही देते हैं, वो भी 25 से 28 लाख के में आपको पुश बटन देखने को मिलेगा। हालांकि कंपैरिजन नहीं है भाई, वो प्रॉपर बिग एसयूवी है, बट फिर भी अगर हमें यार 12.5 लाख की ऑन रोड गाड़ी मिल रही है दिल्ली में, जब हमें इतने सारे फीचर मिल सकते हैं, तो भाई फिर तो 24-25 लाख की गाड़ी में मिलनी चाहिए। बाकी यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिल जाएंगी, टेलीमेटिक स्विचेस मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका मोड, आपका ये म्यूट का ऑप्शन, और यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, और ये सीक और प्रीवियस का ऑप्शन। बाकी यहाँ पर आपको भाई ये मिल जाएगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में आपको एमआईडी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी जो आपको सारी ही इन्फॉर्मेशन देगी, कितने स्पीड, सॉरी कितने किलोमीटर चल चुकी है, क्या एवरेज आ रहा है गाड़ी का। ठीक है, और इसके साथ साथ गाड़ी कौन से मोशन में चल रही है, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, रियर का। ठीक है, अच्छे अच्छे फीचर, जो टॉर्क पावर कितनी लग रही है एक्चुअली में गाड़ी में। ठीक है, ब्रेक, एक्सलरेशन कितनी जा रही है। ठीक है, इंजन, मोटर की बैटरी, भाई सारी की सारी बहुत अच्छे फीचर आपको एमआईडी स्क्रीन में देखने को मिल जाएंगे। क्या फ्यूल इकोनॉमी है, क्या एवरेज चल रहा है, कितना गाड़ी हमारा फ्यूल कंज्यूम कर रही है। ठीक है, और आपको टोटल आइडल स्टॉप टाइम, टोटल आइडल फ्यूल सेव, जो हमारे ये ऑटो ऑफ है इसमें हमारा कितना फ्यूल सेव हुआ है, वो भी सब आपको इन्फॉर्मेशन भाई ये सारी देती है गाड़ी। तो एमआईडी स्क्रीन में भी भाई बहुत अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं। बाकी हमारे भाई एसी वेंट हो गए, यहाँ पर नीचे हमारा हो गया हेड लैम्प लेवलर हो गया। ठीक है, एंड नीचे हमारा भाई बोनट खोलने के लिए और फ्यूल खोलने के लिए पीछे से फ्यूल कैप। बाकी यहाँ मिल जाएगा आपको डेमिस्टर, ये हमारा सेंटर कंसोल जो कि हमने आफ्टर मार्केट से लगाया था, इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंचज का, पार्किंग हजार्ड लाइट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है, ऑटो ऑफ का फीचर, नीचे यहाँ पे फोन रखने की जगह, ये भाई आपका 5 स्पीड गेयरबॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, हैंड ब्रेक, बॉटल होल्डर, कुछ स्पेस, एंड ये बीच में आर्म रेस्ट, स्लाइडिंग वाला मिल जाता है यार इसमें, और इसके अंदर आपको कुछ डीप स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। और भाई देखो आप, ड्यूल टोन इसमें डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा आपका, सिल्वर सैटिन फिनिश में, ब्राउन कलर में और ब्लैक, तो ट्रायो कलर इसमें देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपका ये हो गया भाई ग्लोव बॉक्स, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है इसमें, मैनुअली आर वी एम देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपके भाई सनशेड विद अ वैनिटी मिरर, एंड आपके को पैसेंजर सीट पे भी सेम। यहाँ पे आपके हो गए भाई हेलोजन में आपके ये रूफ लैम्प देखने को मिल जाएंगे। बाकी डोर साइड भाई यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाएंगी आपका ड्राइविंग सीट में, 1 टच डाउन एंड 1 टच अप ऑटोमेटिक, ये लॉक अनलॉक करने के लिए, ये आपके ऑटोमेटिक फोल्डेबल ओ आर वी एम्स, यहाँ से आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। क्रोम फिनिशिंग में आपको भाई डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं, एंड जैसे मैंने बताया हाइट एडजस्टमेंट वाली आपको इसमें सीट देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसमें सीट कवर भी लगवाए हुए हैं बाहर से, जैसा इंटीरियर है हमारा वैसे ही सीट कवर भी लगवा रखे हैं यार, ये दोस्त ने गाड़ी ली है भाई हमारे, काफ़ी अच्छा। और इंटीरियर जो है ना बड़ा प्रीमियम फील हो रहा है भाई गाड़ी का, बहुत अच्छा खासा इंटीरियर है, और इतना सब मिलता है यार बेस मॉडल के अंदर ही, तो इससे ज़्यादा भाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि 12.5 लाख की आपको ये ऑन रोड मिलती है, बहुत ही अच्छे खासे फीचर हैं अभी तक के। और जो भाई सीटिंग कंफर्ट है ना, अंडर थाई सपोर्ट है, बहुत बढ़िया है, और वहाँ पे डेड पेडल आप देखेंगे लास्ट में, बहुत कंफर्टेबली मैं अपना लेफ्ट लेग लग पा रहा हूँ। बाकी मैंने अपनी भाई हाइट के अकॉर्डिंगली सीट एडजस्ट कर रखी है। अब चलते हैं पीछे, देखते हैं कि हमें वहाँ पे स्पेस देखने को कैसा मिलता है। उससे ही पहले, पीछे चलने से पहले मैं आपको उसकी दिखा देता हूँ कि एज यूजल नॉर्मल आती है भाई, बस थोड़ा सा मारुति से ये है भाई रिक्वेस्ट कि यार की को थोड़ा सा चेंज करो, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम लगे, पीछे से तो प्रीमियम लगती है, बाकी जो इसके बटन है ना थोड़े से भाई ओल्ड स्कूल का लुक देते हैं ये। बाकी चलते हैं पीछे, देखते हैं कि हमें कंफर्ट कैसा मिलता है। भाई पहले तो देखो क्या प्रीमियमनेस अंदर से फील हो रही है, और मैंने सीट अपनी पूरी आगे कर रखी थी, उसके बाद भी देखो भाई मेरा
नहीं, रूम कितना मिल रहा है मुझे, अच्छा खासा स्पेस है, मैंने आगे बैठते बता दिया था, बहुत अच्छे खासे अंदर से आपको स्पेसियस मिलेगी गाड़ी, और सारे के सारे हेडरेस्ट जो है आपके फ्रंट दोनों सीट के और रियर के भी सारे हाइट एडजस्टमेंट वाले मिल जाएंगे भाई आप लोगों को रियर में। वाह 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 भाई, देखो यहाँ पे आपको एसी वेंट भी देखने को मिल जाता है यार, ये बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है भाई? अच्छे खासे फीचर मिले हैं भाई इस बार आपको, और हालांकि भाई ये आपकी क्रेटा को भी अब फेल शायद कर दे, क्योंकि भाई क्रेटा से इसके डायमेंशंस बहुत बड़े हैं, वो मैं जब बाहर की बात करूंगा जब दिखाऊंगा आपको। और नीचे यहाँ पे मिल जाता है भाई आपको हम्प, हम्प काफ़ी ऊंचा है, जो अगर बीच में जो भी बंदा बैठेगा तो उसको कुछ ना कुछ थोड़ा सा इशू होगा, कंफर्टेबल वो इतना नहीं हो पाएगा लॉन्ग रन के लिए या लॉन्ग कहीं भी आप ट्रिप अगर प्लान करते हो तो। बाकी पीछे के भाई ये रूफ लैम्प, ये भी आपको हेलोजन मॉडल में देखने के लिए मिलेंगे, ये आपके ग्रैब हैंडल्स यहाँ मिल जाएंगे आपको। और अब कुछ बात कर लेते हैं भाई आपके इसके सेफ्टी फीचर्स की, तो भाई आपके सेफ्टी फीचर्स में अगर आप देखेंगे तो ग्रैंड विटारा ने ग्लोबली एनकैप में 4 out of 5 रेट कर रखा है, तो आपको सेफ्टी तो भाई इस गाड़ी में मिल जाएगी, बिल्ड क्वालिटी इसकी होगी तो सॉलिड मारुति की, तो बहुत अच्छी खासी भाई आपने अपने देखा भी होगा। अब मारुति धीरे धीरे करके हमारे इंटीरियर पे, लुक्स पर, बिल्ड क्वालिटी पर, फीचर्स पे, सब पे धीरे धीरे करके वर्क हो रहा है और बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं भाई मार्केट के अंदर अभी। बाकी इसमें आपको भाई ABS विद EBD मिल जाता है सेफ्टी फीचर्स में, 2 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर्स, हिल असिस्ट, ये सब फीचर्स आपको भाई सेफ्टी फीचर्स में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाएगा और एक फ्यूल इकोनॉमी जिसमें फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ जाए ऑटो ऑफ एक फीचर देखने को भी मिल जाएगा भाई, बहुत बढ़िया सा। बाकी यार इंटीरियर ना प्रीमियम लग रहा है, लिटरली प्रीमियम लग रहा है, अंदर का जो अब ड्यूअल टोन डैशबोर्ड है ना, जो एक टेक्सचर या थीम कह सकते हैं आप इसको, बहुत प्रीमियम लग फील करा रही है अंदर से ये गाड़ी। और उसके साथ साथ भी भाई यहाँ पे आपको रियर में 3-point seat belt देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे आइसोफिक्स सीट देखने को मिल जाती है यार, तो अच्छे खासे भाई सेफ्टी फीचर्स भी इस मॉडल में, और क्या एक्सपेक्ट करेंगे भाई। तो भाई थोड़ी सी बाहर से बात गाड़ी की, पहले मैं करता हूँ इसे आगे से बंद। तो भाई ये है आपकी ग्रैंड विटारा की फ्रंट की लुक, ठीक है, कहीं से नहीं लगेगा आपको ये बहुत बेस मॉडल है भाई, और ये बेस मॉडल है, आप क्रेटा का बेस मॉडल कंपेयर करना, उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। अब जैसे इसका ये है क्रोम फिनिशिंग में भाई, आपको फ्रंट ग्रिल देखने को मिल जाएगी, पियानो ब्लैक फिनिश में, सुजुकी का लोगो हो गया, नीचे आपकी रेडिएटर ग्रिल हो गई है भाई, और ये मिल जाते हैं आपको DRLs यहाँ पर फ्रंट में, और नीचे आपको मिल जाते हैं भाई हेलोजन में, हेलोजन हेड, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं हेलोजन बल्ब में, और यहाँ पर टोइंग का ऑप्शन भाई। बाकी वाइपर आपको इसमें रेगुलर ही मिलते हैं। अब अगर साइड प्रोफाइल की बात करेंगे ना भाई, साइड प्रोफाइल में लेंथ में काफ़ी लंबी है, और सबसे अच्छी क्या चीज़ भाई, चारों के चारों डिस्क ब्रेक इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट के भी डिस्क ब्रेक, रियर के भी डिस्क ब्रेक, जो सस्पेंशन यूज़ हुआ हुआ है फ्रंट में मैकफेसन का और रियर में टॉर्शन बीम का। बाकी साइड में आपको बॉडी कलर ORV मिल जाते हैं विद अ टर्न इंडिकेटर, नीचे कुछ पेडल लैम्प जैसा नहीं देखने को मिलता, और भाई बेस मॉडल में ना आपको आपके डोर हैंडल्स में रिक्वेस्ट सेंसर, को पैसेंजर सीट और आपका ड्राइविंग साइड में भी, दोनों जगह आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाएंगे, क्रेटा में आपको कहीं भी बेस मॉडल में रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये जो है क्रोम फिनिशिंग, बेल्ट लाइन में जो क्रोम है, क्रोम गार्निश है, डोर वाइजर्स हैं, नीचे क्रोम फिनिशिंग है, ये आफ्टर मार्केट है, लेकिन फिर भी यार आफ्टर मार्केट तो ये हर कोई लगवा लेता है, लेकिन ये रिक्वेस्ट सेंसर भाई बेस मॉडल से ही आपको मिल जाते हैं, बहुत ही बढ़िया यार। और इसके मैं ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करूँ ना, ग्राउंड क्लियरेंस 190mm से आपको 200mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, और उससे भी अलग भाई इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है, सस्पेंशन ट्रैवल देखो आप भाई, देख रहे हो यार, ऑफ रोडिंग में भी चला सकते हो भाई गाड़ी को, इतना अंदर से आपको कोई भी जर्क ऐसा फील नहीं होने वाला, फ्यूल कैप पेट्रोल में है ये गाड़ी भाई, और पीछे इसका हो गया यहाँ पे क्वार्टर ग्लास, यहाँ पे आपके ये विंग्स हो गए हैं भाई, जो थोड़े सिल्वर लुक में आपको ग्रे लुक में यहाँ पे मिल जाएगा, एक वाइट का और ग्रे का कॉम्बिनेशन। बाकी ये है रियर लुक, रियर लुक भी बहुत ज़बरदस्त भाई, कनेक्टेड इसमें आपको रियर टेल लैंप देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे रिवर्स लैंप, नीचे रिफ्लेक्टर, और भाई ये टर्न इंडिकेटर का आपके यहाँ पे लाइट हेलोजन बल्ब में, ग्रैंड विटारा की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, स्मार्ट हाइब्रिड, और पीछे के यहाँ पे भाई आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे 4। कैमरा भी इसमें भाई बाहर से आफ्टर मार्केट लगवाया, कैमरा नहीं आता इसमें, इंफोटेनमेंट सिस्टम और कैमरा बाहर से लगवाया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। बाकी रियर वाइपर देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी, डी फॉगर मिल जाएगा भाई, हाई माउंट स्टॉप लैंप विद इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, और यहाँ पे शार्क फिन एंटीना। अब बात करते हैं भाई इसके बूट स्पेस की, तो रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाएंगे आपको इसके बूट में, मतलब अनलॉक करने के लिए। बाकी भाई देखो ये है बूट स्पेस, पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी, 300 से 350 लीटर के इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, एग्जैक्ट मैं अपनी स्क्रीन पर डाल दूंगा।
बाकी यहाँ पे आपको हुक मिल जाएगा और यहाँ पर भाई आपको कोई लाइट ट्रंक लाइट जैसे देखने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, बेस मॉडल है एज वी नो। और जो इसका स्पेयर व्हील मिल जाएगा भाई आपको, वो मिल जाएगा स्ट्रे के नीचे। अच्छा खासा भाई स्पेस, डायमेंशंस, लुक्स, फीचर, सेफ्टी सब भर भर के दिया है भाई स्मार्ट इसमें हाइब्रिड में आपको, ग्रैंड विटारा में और बेस मॉडल के अंदर ही। तो कहीं से आप लोग कह दो कि भाई इसमें आपको कि कहीं से बेस मॉडल लग रहा है, रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं, चारों डिस्क ब्रेक हैं, DRL है, उसके बाद डायमेंशन में भी भाई आपकी इसकी क्रेटा बहुत छोटी रह जाती है डायमेंशन वाइज में भी। और इंटीरियर में भी भाई आपको इसमें पुश बटन देखने को मिल जाएगा, है ना, इंटीरियर की भी बात कम नहीं है भाई, पुश बटन देखने को मिल जाएगा आपको इसमें। सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट भाई दे दी हैं 12.5 लाख में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा भाई, देख के मज़ा आ गया। बाकी वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इसका मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी लेके आऊँगा, अब भाई की गाड़ी है तो भाई कभी भी लेके आएंगे। बाकी यस हाँ एक चीज़ और, इसका इंजन स्पेसिफिकेशन रह गया भाई, ठीक है, ये है इंजन प्रोफाइल ऐसी। डिस्प्लेसमेंट है भाई 1500 cc का, इसमें आपको इंजन देखने को मिल जाएगा जो प्रोड्यूस करेगा भाई 102 bhp विद 136 Nm का टॉर्क। 4 सिलेंडर्स देखने को आपको इसमें मिल जाएंगे। फ्यूल टाइप जो रहने वाला है हमारा पेट्रोल रहेगा, एवरेज जो रहने वाला हाईवे पे 21-22 का आपको इजीली ये गाड़ी दे देगी। जो एमिशन नॉर्म है भाई BS6 2 का, इसमें एमिशन नॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और जो गाड़ी के NVH लेवल्स हैं भाई बहुत कमाल के हैं, उसके बाद भी इंसुलेशन मैट है और बहुत ही भाई नॉइज़ फ्री गाड़ी है, बहुत साइलेंट गाड़ी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी हम करेंगे भाई गाड़ी स्टार्ट और आप देखना कि बिल्कुल साउंड फ्री भाई इंजन है इसका। चाबी यहाँ रख, अब गाड़ी है स्टार्ट, देखो थोड़ा साउंड थोड़ा सा फील हो रहा होगा, इतनी साइलेंट गाड़ी है भाई अंदर से। तो अब AC चल रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, AC भी मैं बंद ही कर देता हूँ एक बार, ये हो गया AC बंद, अब कुछ फील नहीं हो रहा होगा भाई। ये देखो DRLs कहीं से लगता है यार ये कहीं भाई बेस मॉडल है, क्या ज़बरदस्त निकाली है भाई गाड़ी, बहुत बढ़िया। अब कर देते हैं इसको बंद। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और जितना हो सकता है आगे शेयर भी करो, कमेंट में जरूर बताओ, कुछ रह गया हो तो हम उससे रिलेटेड वीडियो जल्दी शूट करेंगे। बाकी आगे जरूर शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी गाड़ी के ऊपर हम करें। बाकी ये मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।